हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं कविता अपने चैनल जीनियस फैशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है दीपावली। हाँ, अभी मैं थोड़ी ऐसी लग रही हूँ, सिंपल सिंपल। शाम को रेडी होंगी क्योंकि अभी पूरे दिन काम में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम है। दीपावली के दिन पता ही आपको बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो बहुत, अभी तो मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर की क्लीनिंग मैंने क्या कैसा लग रहा है मेरा घर। मैंने न्यू बेडशीट वगैरह बिछाई है, तो मैं आपको अपने घर का लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा बेडरूम देखिए। ये मैंने वही बेडशीट बिछाई है जो मैंने मीशो से ऑनलाइन बुक करी थी। ये देखो, बिछने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए, मैंने बेड पे छोटा सा एक हाउस भी लगाया है। फ्लावर तो पहले से ही थे, ये मैंने अपनी बेटी का टॉय रख दिया है। बहुत प्यारा लग रहा है छोटा सा हाउस। और ये देखो, ये बेडशीट बिछने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे भी मैंने टॉयज सजा रखे हैं छोटे छोटे। ये सब टॉयज मेरे बच्चों के हैं। तो ये देखिए मेरे पूरे रूम का लुक। अब ये मेरा दूसरा रूम देखिए। ये मैंने न्यू सोफे के कवर और कुशन कवर भी छाए हैं। सीधा कर देते हैं। सर, क्या बोला आपने गुप्ता जी को खाने के लिए बोल दूं और ये फाइल मैजिस्ट्रेट नारायण को दे दूं? ये देखिए, और किसको करने के लिए बोला आपने? पलक दुश्मन। ये देखिए बेडशीट भी छाई है। फोन मैजिस्ट्रेट नारायण को करो जी, और खाना तुम खाना। ये मेरा ड्राइंग रूम का लुक था। यहाँ तो नॉर्मली किचन है। तो अब मैंने घर को तो पूरा सजा दिया। अब बारी आई बच्चों को रेडी करने की, तो मैं बच्चों को रेडी कर रही थी। तो ये देखिए, अपने आप खुद बाल बना रही थी, तो मैंने कहा कि लाओ मैं बना देती हूँ। तो मैं थोड़ा फिर वीडियो शूट थोड़ा सा करके उसके बाद इनको तैयार करने लगी थी। तो इनको देखो, मैंने पूरा रेडी कर दिया है। आपको पता ही है ना कि मेरी अभी सिस्टर इन लॉ आई हुई है, पिंक ड्रेस वाली मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है और ये मेरी है। फिर उसके बाद हम सारे रेडी होकर ऊपर आ गए थे। मैं कैसी रेडी हुई, मैं कैसा तैयार हुई, मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा हो गया था मेरे पास। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हुआ कि मैं जल्दी से रेडी होकर वीडियो बना लूँ। मैंने फटाफट एक साड़ी डाल ली थी, ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी। और फिर मैं पूजा करने चली गई थी। फिर पूजा करने के बाद खाना पीना भी बनाना होता है, तो मैं काम में ही लगी रह गई और मैं कोई फ़ोटो वगैरह नहीं शूट कर पाई अपनी। तो मैं आपको इसमें हल्की फुल्की ही नज़र आऊँगी, ज़्यादा नहीं आऊँगी। काम सचमुच बहुत ज़्यादा हो गया था। दिन में मेरे पापा, मेरे मामा जी सब आए हुए थे दिवाली विश करने, तो उस समय भी मैं नाश्ता पानी में लग गई थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं हुआ। फिर नाइट में भी रंगोली बनाने में बिज़ी हो गई, फिर ऊपर पूजा का सामान सेट करने में बिज़ी हो गई, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं सही से ढंग से रेडी होती। तो मैंने एक नॉर्मल सी साड़ी पहन के पूजा कर ली थी। आप वीडियो में मुझे देख सकते हैं, मैं ज़्यादा रेडी नहीं हुई हूँ दीपावली में। हाँ, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, बहुत ही बड़ा। हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो छठ पूजा। तो मैं छठ पूजा में पूरा फुल ऑन तैयारी होती है हमारे यहाँ। तो जब मैं छठ पूजा में अच्छे से रेडी होंगी तो आपके साथ अपना लुक शेयर करूँगी। बहुत सारी तैयारियाँ होती है छठ में, तो छठ में मैं पूरा पक्का इतना टाइम ज़रूर रखूँगी कि मैं अपना रेडी हो के अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकूं। तो ये देखिए, हम सब सारे पूजा कर रहे हैं। फिर पूजा करने के बाद हम नीचे आ गए थे। फिर हमने नीचे भी पूजा करी थी सारे ने मिलके। ये मेरे पूरी फैमिली है, भैया दीदी उनके बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ उनके बच्चे और पापा मम्मी, हम ये सारी पूरी फैमिली है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि हम रहते सेपरेट हैं, लेकिन जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, त्यौहार होता है, तो हम सब कुछ साथ में ही करते हैं। तो ये देखिए, हम सारी फैमिली पूजा कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने पूजा पाठ करके मिठाई वगैरह खा के खाना वाना बनाया। खाना वगैरह खा के फिर हम छत पे चले गए थे पटाखे वगैरह फोड़ने। ज़्यादा पटाखे नहीं जलाए, सिर्फ अनार वगैरह जलाए थे। तो ये देखिए, मैंने रंगोली बनाई थी, अंधेरे में दिख नहीं रही है। तो अब हमारी पूजा हो गई कंप्लीट। फिर हम छत पे गए, हमने पटाखे फोड़े। तो ये ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में।
हैप्पी दिवाली। और प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।